हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सेफ्टी ऑफिसर अगर बनना चाहते हो तो ऐसी कौन सी ऐसी 3 स्टेप है कि जिसके स्टेप को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है कि आपका जो है बेसिक क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए। अब बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो कुछ भी आपका हो सकता है, यानी कि जैसे कि आपने 10वीं पास आउट की, 12वीं पास आउट की, या फिर प्लेन ग्रेजुएशन आपने किया है, BA हो, BCOM हो, या फिर BSc हो, या फिर टेक्निकल जो है आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। टेक्निकल यानी कि जैसे कि आपने जो है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हो, तो ये जो है ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, बेसिक क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो क्या? तो इसका आंसर है नहीं। अब आपको जो है सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट करना होगा। अब सेकंड स्टेप है कि अभी आपको जो है ये आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इसके बेसिस के ऊपर जो है सेफ्टी का डिप्लोमा करना होगा। अब मार्केट में अगर आप जाते हो तो सेफ्टी के जो है ऐसे कई सारे जो है डिप्लोमा आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फायर एंड सेफ्टी का जो है डिप्लोमा आता है जो आप 1 साल का कर सकते हो, या फिर अगर आपने जो है ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप जो है BSc फायर एंड सेफ्टी में कर सकते हो, या फिर जो है आप BTech फायर एंड सेफ्टी में कर सकते हो। तो ये जो है ऐसे कई सारे जो है डिप्लोमा आपको देखने को मिलते हैं। अब मार्केट में जिसकी ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है, जिस सेफ्टी डिप्लोमा की जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वो है ADS का डिप्लोमा, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये भी जो डिप्लोमा है आप कर सकते हो, ये अगर आप डिप्लोमा अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की बनने की जो है वो बढ़ जाती है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, और सेकंड जो स्टेप है वो है सेफ्टी का डिप्लोमा कंप्लीट करना। तो अभी ये क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पर कि सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अभी जो है आप एक फ्रेशर हो और कोई भी कंपनी जो है डायरेक्ट आपको सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है नहीं लेती है, यानी कि फ्रेशर के तौर पर नहीं लेती है। तो सबसे पहले जो है आपको असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, या फिर जूनियर सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो प्रोवाइड की जाती है, या फिर सेफ्टी टेक्नीशियन की पोस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे पोस्ट के ऊपर जो है आपको काम करना होगा, और जैसे कुछ साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर आप जो है सेफ्टी ऑफिसर बन सकोगे, यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। लेकिन यहां पर भी जो है अपवाद है, यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर को भी जो है हायर करती है, वहां पर जो है आपको सेफ्टी ऑफिसर का जो है डेसिग्नेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पर जो है आपको शुरू में जो है जूनियर सेफ्टी ऑफिसर का रोल मिलेगा या फिर असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर का रोल मिलेगा, और जैसे आपको कुछ साल का अनुभव आएगा फिर जो है आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। अब ये बात होगी सेकंड स्टेप वाली। थर्ड स्टेप की कौन सी बात आती है कि अगर आप जो है गल्फ कंट्रीज में या फिर बाहर के कंट्री में जॉब करने के लिए जाओगे, तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप देखी है, यानी कि बेसिक क्वालिफिकेशन और सेफ्टी का डिप्लोमा, तो इसके बेसिस के ऊपर जो है आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो क्या बाहर के कंट्री में? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बाहर की कंट्री के लिए जो है अलग से जो है सेफ्टी का जो है क्वालिफिकेशन आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जो है गल्फ कंट्रीज में जॉब करना चाहते हो तो वहां के लिए जो है निवोश का सर्टिफिकेशन जो है आप ले सकते हो, या फिर जो है आयुष का सर्टिफिकेशन या फिर ओशा का सर्टिफिकेशन जो है आप कर सकते हो। तो ज्यादातर जो बाहर के कंट्री में जो डिमांड है, गल्फ कंट्रीज में जो डिमांड है वो है निवोश के IGC कोर्स की। तो ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है सेफ्टी का, ये अगर आप कंप्लीट करते हो तभी जाकर जो है आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। ये तीनों स्टेप जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तभी जो है आप एक कंप्लीट सेफ्टी ऑफिसर बन सकोगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि 3 स्टेप में आप सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हो उसके बारे में। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।